हेलो एवरीवन, आज हम दिखाने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर के बैडेस्ट मोमेंट्स एंड सिग्मा मोमेंट्स। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखना, एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और तुम ऑटोमेटिकली बनोगी मेरी रानी। इसलिए तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, आई एम सो सॉरी आस्था, ये तो नामुमकिन है क्योंकि मैं तो सबकी सिस्टर हूँ। और तुम ऑटोमेटिकली बनोगी मेरी रानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मदद चाहिए सिस्टर लिली? It's all right, you know. लड़की से क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा? लगता है इसे चैलेंज करना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। आजा करते हैं मुकाबला। मुझे करना ही नहीं। क्यों, लड़कियों के सामने पिटने से डर गया क्या? ऐसी बात है तो अब ये देखो, फिर से इसकी लौटंगी। जानते हो ना, तुम्हें जादू नहीं आता। ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं जादू क्यों नहीं कर पाता? ऐसे ही मौके के लिए तो मैंने अपना खुफिया हथियार तैयार किया था। तुम्हारे पास भी हथियार है? इसकी बकवास फिर से शुरू हो गई। और किंग बनने के बाद मैं सबसे पहले इस पुराने चर्च की मरम्मत करवाऊंगा। खबरदार, तूने अगर मेरे चर्च को पुराना बोला तो। अच्छा, तो यूनो से ही पूछ लीजिए। 996, 997, 998, 999। और अब मैं पीऊंगा मोगुरो पैटर्न के जूस, वो भी एक ही सांस में। विज़र्ड किंग तो मैं बन के रहूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मेरी ग्रिमवार की ट्रेन छूट गई या फ्लाइट मिस हो गई? अब तो अगले साल की बस से आना। चुनो, तू बस देखता जा, मैं तुझे कंपटीशन दूंगा और तुझे हरा के रहूंगा क्योंकि मैं हूँ तेरा राइवल। कौन हो तुम? मुझे लगा था गांव का एक लड़का मुझे क्या पहचानेगा, पर कुछ वक्त पहले तक मैं एक मैजिक नाइट था और मेरा जंजीर का जादू भी हिट था। नाम है रेवची। अगर पुराना मानू तो मैं चुराना चाहता हूँ तुम्हारी ये ग्रिम्बो। मैजिक नाइट से तुम चोर बन गए? आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? ओए जोकर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने यूनो की ग्रिमवॉर छीन ली, आखिर चाहता क्या है तू? तो जैसे ज्यादा बोलने वाले चूजे को अक्सर मैं हवा में उड़ा देता हूँ, पर आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है, इसलिए तुझे प्यार से सबक सिखाऊंगा। ये भागना मेरी शान के खिलाफ है। Dance of the Pitless Viper. तेरी, ये तो बड़ा नासूवार था, पर अब सब खत्म। की जादुई शक्तियां भाप लेती हैं, पर इन्हें तुम में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा है तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कभी जादू नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा अच्छा खासा मजाक उड़ाता होगा, है ना? चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ चीजें मुझ में कभी नहीं बदल सकती, तो शायद मुझे हार मान। तुम लूजर किसे कह रहे हो? आस्था, आस्था को कम समझने की भूल मत करना। वो लूजर नहीं, वो है मेरा राइवल। एक लौटा नहीं, अपनी ये वाहियात टांग हटा मुझसे। सॉरी, तुम्हें फिर देखना इसे कैसे खत्म करता हूँ। ग्रिमवॉर, आस्था तुम भी एक ग्रिमवॉर के हकदार हो।
तुम्हें ग्रिम वॉक कैसे मिल सकती है? डेविल यानी शैतान। देखो तो सही, यू नो मुझे मेरी ग्रिम वॉर्ड मिल गई। वैसे तो थोड़ी पुरानी लग रही है, पर कोई नहीं, आखिरकार मिली तो सही, मैं खुश हूँ। तुमने फिर से मेरी जान बचाई। 998, 999, क्या बात है, मुझे मेरी ग्रिम वॉर्ड मिल गई। तो क्या हुआ अगर मेरे अंदर जादू नहीं है? दुश्मन की तो मैं फिर भी चटनी बना दूंगा। ओके, बहुत हुआ आराम, अब है ट्रेनिंग टाइम। 1001, 1500 and 3। और मैं ये साबित करके रहूंगा नैश। पर कैसे? मैं मैजिक नाइट्स की टीम ज्वाइन करूंगा और बनूंगा विजार्ड किंग। वैसे तुम्हारे पास होने की उम्मीद नहीं लग रही है। मगर आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं या मेरे हौसले पस्त कर रहे हैं? विज़र्ड किंग बन गया हूँ, आजा मेरी झाड़ू पे बैठ जा। ठीक है। चिपक के बैठो ताकि नीचे गिरने का कोई चांस ही ना हो, मेरा सपना सच होगा। तुम झाड़ू कैसे उड़ाओगे, तुम्हें जादू कहाँ आता है? हाँ, मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लूंगा। जुगाड़ का जादू? और नहीं तो क्या, और इसमें मेरी ग्रिम वॉर मेरी हेल्प करेगी। मेरे हमले के बीच क्यों आया? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जब मांगूंगा तब करना। वो क्या कूल जगह है। ये तो जबरदस्त है, एकदम फ्रेश फ्रूट्स है। बस अभी देता हूँ, थोड़ी देर में ये पक ही जाएगा। हाँ, और शायद किंगडम के किंग भी। जगह अच्छी लगी, आज नहीं तो कल वो कैसल मेरा ही होगा। तुम्हारा नहीं, मेरा। चल ठीक है, मैं तुझे वहां रहने दूंगा। हमारा नंबर है 164। नेक्स्ट। मैं भी हाश विलेज से हूँ, मेरा नाम है आस्था और ये है मेरी ग्रिम वॉर। पक्का ये ग्रिम वॉर ही है? हाँ, अरे पक्के से भी पक्का, खुद ही देख लो ना, आंखें फाड़ कर देखो, ये ग्रिम वॉर है। हाँ ठीक है, पीछे हटो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों चल रही है? लगता काफी जोश मार ली। सॉरी भाई साहब, गलती से आपके पेट में घुस गया। एज का कैसे हो सकता है? एक सेकंड आस्था, खुद को संभाल, किसी को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। मुझे इससे प्यार से बात करनी चाहिए। मेरे दोस्त, तुम तो अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हो, लगता है जीवन ने तुम्हें बहुत पटका है ना? तो गाइस, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक एंड चैनल करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Хочу навсегда